वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ कीर्ति बालू। सो आपको मेरा कोई भी वीडियो चाहे तो फर्स्ट आपको वो टॉपिक का नाम लिखना है, देन आपको लिखना है बाय कीर्ति बालू, तो मेरा वीडियो उस टॉपिक के बारे में आपको मिल जाएगी। ओके सो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आस्क एज अ 5 मार्क यानी कि शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकते हैं। सो हम फर्स्ट बात करेंगे कंडीशन व्हेन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि वो कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके और उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है कब रिक्वायरमेंट में हम ले सकते हैं और कब लेना चाहिए। ओके सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड वेन एवर देयर इज एन अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग विथआउट कार्डियक फेलियर। ओके सो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रही हूँ, अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग विथआउट कार्डियक अरेस्ट। ओके और सॉरी कार्डियक फेलियर, जब हम कार्डियक फेलियर नहीं है तब हमें ब्रीदिंग का अरेस्ट आता है तब हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत रहती है। ओके उसकी रिक्वायरमेंट रहती है। सो अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग अकर्स इन फॉलोइंग कंडीशन, उसमें से हमारी फिफ्थ है, उसमें से फर्स्ट है हमारी एक्सीडेंट, जब हमारा एक्सीडेंट होगा तब भी हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। देन सेकंड है हमारी ड्राउनिंग, हमें जब ड्राउनिंग होगा तब भी हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। देन थर्ड है हमारी गैस पॉइजनिंग होगा तब भी हमें ब्रीदिंग में हमें कॉम्प्लिकेशन आएगी तब भी हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। देन फोर्थ है हमारी वो है इलेक्ट्रिक शॉक, जब इलेक्ट्रिक शॉक आएगा तब भी हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक एंड फिफ्थ यानी लास्ट है वो है एनेस्थेसिया में आप जब रहोगे एनेस्थेटिक कंडीशन में तब आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत रहेगी। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत रहेगी आपको। ओके सो स्टॉपेज ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई फॉर 5 मिनट्स कॉजेज इरिवर्सिबल चेंजेस इन टिश्यू ऑफ ब्रेन पर्टिकुलर टिश्यू ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मस्ट बी स्टार्टेड क्विकली विथआउट एनी डिले बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर। ओके सो पर्पज ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज टू वेंटिलेट द एल्वियोलाय एंड टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। सो उसका जो पर्पज क्या है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का, तो उसके पर्पज के बारे में हम बात करें सो हम यहाँ पर लिखेंगे उसका पर्पस। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज टू वेंटिलेट the alveoli and to stimulate the respiratory center। हमारी जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स है उसको स्टिमुलाई देती रहेगी और हमारी जो एल्वियोलाई है उसको कोलैप्स होने नहीं देगी। उसका पर्पज़ है हमारी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का। ओके सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का पर्पज़ क्या है, हमारी एल्वियोलाई को वेंटिलेट रखना एंड हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करना। ओके सो ये वाली है हमारी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। सो रिक्वायरमेंट उसके 5 है, उसमें से फर्स्ट है एक्सीडेंट, जब हमारा एक्सीडेंट होगा तब भी हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत रहेगी, यानी कि वेंटिलेटर में पेशेंट को रखा जाएगा। देन ड्राउनिंग में भी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत रहती है। देन गैस पॉइजनिंग भी ब्रीदिंग है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो कार्डियक अरेस्ट ना आए उसी वजह से हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पेशेंट को देना पड़ेगा। देन फोर्थ है हमारा इलेक्ट्रिक शॉक एंड फिफ्थ है एनेस्थेसिया। ओके सो हमारा 5 है एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, गैस पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक एंड एनेस्थेसिया। देन उसके पर्पस के बारे में बात करें तो उसका पर्पस है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का कि हमारी एल्वियोलाई है उसको वेंटिलेट रखना, उसको कोलैप्स नहीं होने देना एंड हमारी जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट रखना, हमारी ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होगी ना उसको स्टिमुलेट रखना। ओके सो
हमारी होगी आर्टिफिशियल। अब हम उसके मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ओके। सो हम उसके मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के मेथड के बारे में बात करेंगे। सो उनसे पहले मैं आपको बता दूँ, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है वो आपको 5 मार्क में पूछ सकते हैं शॉर्ट नोट में, ओके। सो ज़्यादा IMP है, मोस्ट IMP है, ओके। सो हम बात करें मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के बारे में। सो मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट हमारी मैन्यूअल टाइप रेस्पिरेशन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी कि मैन्यूअल मेथड्स। एंड सेकंड हमारी वो है मैकेनिकल मेथड्स। सो हमारी आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हैज़ 2 मेथड्स, फर्स्ट मैन्यूअल मेथड एंड सेकंड मैकेनिकल मेथड्स। मैन्यूअल मेथड्स में हम देखेंगे आगे। सो मैन्यूअल मेथड्स में फर्दर 2 आएगी, उसमें से फर्स्ट होगी माउथ टू माउथ मेथड एंड सेकंड हमारी होल्गर नील्सन मेथड। देन हम मैकेनिकल मेथड्स के बारे में बात करें, सो मैकेनिकल मेथड्स में भी 2 आएगी, ड्रिंकर मेथड्स एंड वेंटिलेशन मेथड। हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। सो हमारी जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन उसका 2 मेथड थी, उसमें से फर्स्ट थी हमारी मैन्यूअल एंड सेकंड थी हमारी मैकेनिकल। सो फर्स्ट हो गई हमारी मैन्यूअल एंड सेकंड हो गई मैकेनिकल, ओके। सो मैन्यूअल में भी 2 थी एंड मैकेनिकल में भी 2 थी एंड आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की भी 2 मेथड है, ओके। सो मैन्यूअल में 2 कौन सी है, फर्स्ट एंड सेकंड। सो मैन्यूअल में हमारी जो फर्स्ट है होगी वो थी हमारी माउथ टू माउथ, यानी कि जब पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी तब जो पेशेंट है, कोई मेन है, उसको माउथ से माउथ तक एयर को पास करेगी, उसको हम कहते हैं माउथ टू माउथ मेथड, ओके। सो ये मैन्यूअल मेथड है। देन सेकंड हमारी होल्गर नील्सन मेथड। सो मैन्यूअल मेथड में 2 है, माउथ टू माउथ एंड होल्गर नील्सन मेथड। देन हम मैकेनिकल मेथड के बारे में बात करें, सो मैकेनिकल में भी 2 है, उसमें से फर्स्ट है ड्रिंकर मेथड एंड सेकंड है हमारी वेंटिलेशन मेथड, ओके। सो मैकेनिकल में 2 है, ड्रिंकर मेथड एंड वेंटिलेशन मेथड। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेथड और इट्स कंसिस्ट 2 मेथड, फर्स्ट मैन्यूअल मेथड एंड सेकंड मैकेनिकल मेथड। दोनों में 2-2 है। सो मैन्यूअल मेथड फर्दर 2 मेथड्स, माउथ टू माउथ मेथड एंड होल्गर नील्सन मेथड, एंड मैकेनिकल मेथड्स में फर्दर 2 है, ड्रिंकर मेथड एंड वेंटिलेशन मेथड, ओके। सो अब हम माउथ टू माउथ मेथड के बारे में डिटेल में देखेंगे, होल्गर नील्सन के बारे में देखेंगे, देन ड्रिंकर एंड वेंटिलेटर के बारे में देखेंगे, ओके। सो हम फर्स्ट देखते हैं माउथ टू माउथ मेथड में। सो माउथ टू माउथ मेथड में क्या होगा, वो तो मैंने आपको बता दिया, ओके। सो तो सब्जेक्ट इज केप्ट इन सुपाइन पोजिशन एंड द पर्सन हु गिव रिसक्सेशन नील्स एट द साइड्स ऑफ द सब्जेक्ट by keeping the thumb on subject mouth, the lower jaw is pulled downward, okay। so इतनी सारी बातें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको शॉर्ट नोट में आस्क तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का 2 मेथड है, मैन्यूअल एंड मैकेनिकल। मैन्यूअल में फर्दर 2 है, माउथ टू माउथ होल्गर नील्सन मेथड, एंड मैकेनिकल में 2 है, ड्रिंकर एंड वेंटिलेटर। देन आगे आपको इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा आता है तो आप लिख सकते हो एग्जाम में 2-2 लाइन ये चारों के बारे में, ओके। सो थैंक यू गाइस, शॉर्ट नोट में अभी आपको इतना ही लिखना है, कितना लिखना है फर्दर आप रिवीजन एक बार कर लेते हैं। सो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में कंडीशन व्हेन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज रिक्वायर्ड अरेस्ट और ब्रीदिंग विदाउट कार्डियक फेलियर इट्स नोन एज आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। सो रिक्वायरमेंट कब कब हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट होगी, एक्सीडेंट, ड्राउनिंग, गैस पॉइजनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक एंड एनेस्थेसिया में। देन उसका पर्पस के बारे में हम बात करें, सो पर्पस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज टू वेंटिलेट द एल्विओलाई एंड टू स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर्स। देन मेथड्स के बारे में बात करें, सो 2 टाइप्स के मेथड है, मैनुअल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। मैनुअल मेथड में फर्दर 2 है, माउथ टू माउथ एंड होल्गर नील्सन मेथड, एंड मैकेनिकल मेथड उसमें 2 है फर्दर, ड्रिंकर मेथड एंड वेंटिलेशन मेथड, ओके। सो यहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारी शॉर्ट नोट 5 मार्क की कंप्लीट हो गई।